नमस्कार दोस्तों, इंडियन टूर एंड फूड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको भगवान बुद्ध की कर्मभूमि बोधगया में स्थित सभी मंदिरों का दर्शन कराएंगे। बोधगया वर्ल्ड हेरिटेज पार्ट वन में हमने मैन टेंपल के दर्शन किए थे और भगवान बुद्ध के बोधित्व प्राप्ति तक यात्रा के बारे में बताए थे। आज हम भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानेंगे, तो चलिए बाकी मंदिरों का दर्शन करते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा के मुख्य चार उपदेश है। दुख क्या है? दुख कैसे उत्पन्न होता है? दुखों को मिटाना क्या है? दुख कैसे मिटते हैं? यही चार आर्य सत्य है। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए बुद्ध पिता के नगर पहुंचे। जब महाराज शुद्धोदन को पता लगा कि उनके पुत्र अपने ही नगर में भिक्षा मांग रहे हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे मंत्रियों के साथ गौतम के पास गए। बुद्ध ने उन्हें त्यागी का धन समझाकर आश्वासन दिया। महाराज शुद्धोदन की प्रार्थना पर वे भिक्षा करने राजमहल पधारे। पतिव्रता यशोधरा के भवन में जाकर उन्होंने उसे दर्शन दिया। यशोधरा अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़ी। फिर यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को सिखाया कि अपने पिता के पास जाकर पैतृक संपत्ति मांगो। बालक राहुल पिता से पैतृक संपत्ति मांगने गया। बुद्ध ने उसे साथ ले लिया। उनकी संपत्ति तो त्याग थी। राहुल को लाकर उन्होंने उसे बौद्ध भिक्षुओं के संघ में सम्मिलित कर लिया। बुद्ध से संबंधित अंगुलीमाल की कथा भी सामने आती है। श्रीवास्तिका अंगुलीमाल नामक डाकू 1000 मनुष्यों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाना चाहता था। उसने बहुत मनुष्यों को मारा था। जब बुद्ध उधर से निकले तो वह उन्हें भी मारने दौड़ा। बुद्ध साधारण गति से जा रहे थे, किंतु द्वारकर भी डाकू उनके पास पहुंच नहीं पाता था। अंत में बुद्ध ने उपदेश करके उसे पाप कर्म से अलग किया। कुछ लोग द्वेषवश बुद्ध का विरोध करने लगे थे। वे कहते थे कि गौतम में कोई शक्ति नहीं है। उनको शांत करने के लिए शिष्यों के अनुरोध से बुद्ध ने चमत्कार दिखाना स्वीकार किया। उन्होंने एक आम चूसकर गुठली भूमि पर गाड़कर उस पर हाथ धोया। उसी समय गुठली में अंकुर निकला और तत्काल बढ़कर वृक्ष बन गया। उसमें फल आ गए। और भी आश्चर्यजनक चमत्कार बुद्ध ने दिखाए। आत्मशरण को आत्म प्रदीत करो, धर्म का दीपक दीत करो, ना आशा औरों की तुम, यही बुद्ध उपदेश मनोरम। इस उपदेश के बाद जब भिक्षुओं के साथ आनंद वहां से चले गए तो मां देवता आए और उसने प्रार्थना की, गौतम आपका कार्य पूरा हो गया, अब आप निर्वाण स्वीकार करें। तथागत ने मां की प्रार्थना स्वीकार कर ली। लौटने पर जब आनंद को पता लगा कि भगवान ने जीवन का संकल्प त्याग दिया है और निर्वाण लेने वाले हैं, तो वे शोक से व्याकुल हो गए। तथागत ने उनको समझा कर शांत किया। वहां से कुशीनगर आकर बुद्ध ने आनंद से जल मांगा। वहां एक छोटी नदी थी जिसमें से 500 गाड़ियां उसी समय गई थी। इतने पर भी बुद्ध के प्रभाव से उसका जल निर्मल बना रहा। आनंद ने वहीं से जल लाकर बुद्ध को पिलाया। उसके बाद उसी नगर में ही मल्लों के सालवन में 2 साल वृक्षों के मध्य आनंद के द्वारा बिछाए हुए चिवर पर भगवान बुद्ध अंतिम बार लेटे। लेटे लेटे ही उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध के निर्वाण से भिक्षु संघ तथा पूरे देश में हाहाकार मच गया। अंत में बड़ी श्रद्धा से उनके देह का अग्नि संस्कार हुआ।
उनके फूल देश के 8 स्थानों पर स्थापित करके उन पर 8 स्तूप बनाए गए। एक स्थान पर वह कुंभ जिसमें फूल थे और एक स्थान पर चिता के अंगार स्थापित करके उन पर भी स्तूप बने। इस प्रकार कुल 10 स्तूप बुद्ध के स्मारक बनाए गए। दोस्तों, ये तो थी कुछ जानकारी भगवान बुद्ध के बारे में। इसी प्रकार जानकारी के लिए देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद।